सब्सक्राइब करें सोनिस किचन चैनल को और इस बेल आइकन को क्लिक करें जिससे आपको मेरी नई रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनिस किचन। फ्रेंड्स, आज हम एक स्नैक्स रेसिपी बनाएंगे। ये एक आंध्रा की स्नैक्स है, बहुत ही टेस्टी एंड क्रिस्पी स्नैक्स है। इसे टी टाइम स्नैक्स के रूप में हम ले सकते हैं और बच्चों को बहुत पसंद आएगी। इसका नाम है चेगोडिलू, या इसे चेगोडिलू कहते हैं या चेगोडी कहते हैं। बहुत ही टेस्टी होती है, एक तरह की चकली की जैसी ही होती है, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट है चकली से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चेगोडिलू की रेसिपी। लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, चेगोडी बनाने के लिए पहले हम एक आटा बनाकर तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 2 कप राइस ले लिया है। सिंपल जो नॉर्मल राइस होती है वही लिया है। इसे मैंने गीले कपड़े से अच्छे से पोंछ लिया है। 1 टीस्पून उड़द दाल लेकर के पोंछ लिया है और 1 टेबलस्पून मैं यहाँ पे रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ। आप अगर तीखा कम खाना चाहे तो कम डालें, लेकिन इतना तीखा परफेक्ट रहेगा। तो पहले हम राइस और उड़द दाल को मिला करके अच्छे से पाउडर बना लेंगे। आप घर के मिक्सर से भी कर सकते हैं या फिर चक्की में पीस कर ला सकते हैं। चक्की में पीसते समय ध्यान रखना है कि गेहूँ पीसने के बाद इसे ना डालें। और मैंने यहाँ पे ये पाउडर रेडी रखा है। आप चाहे तो इसमें रेड चिलीज़ को डालकर साथ में पीस सकते हैं, रेड चिली पाउडर डालने की ज़रूरत नहीं होगी। तो मैंने यहाँ पे ये पाउडर रेडी रखा है और मैं यहाँ पे 2.5 कप ये पाउडर लिया हुआ है आटा। इसमें हम उड़द दाल डालते हैं। इसे जो चेगोड़ी होती है अच्छे से फूल कर अच्छे बनते हैं। तो 2.5 कप मैं उस कप से नाप कर ले लिया है। रेड फूड कलर मैंने यहाँ पे 2 पिंचेस लिया है। सॉल्ट 1 टीस्पून डालेंगे। सफ़ेद वाले तिल मैं यहाँ पे भिगो कर ले रही हूँ। सफ़ेद वाले तिल को अच्छे से धो ले, इसमें मिट्टी हो सकती है, या फिर भिगो लेने के बाद ये चेगोड़ी में लगाते समय अच्छे से लग जाएगी, चिपक जाएगी। तो 1/4 कप सफ़ेद तिल को मैंने थोड़ा सा भिगो लिया था 5 मिनट के लिए। अभी हम आटा बनाकर तैयार करेंगे। इसके लिए हम इसमें 2 कप्स पानी ले लेते हैं। फ्रेंड्स, 2.5 कप आटे के लिए हमें 2.5 कप पानी ही डालें। जितना आटे की क्वांटिटी उतनी ही पानी की क्वांटिटी होनी चाहिए। इसमें हम नमक और रेड फूड कलर डालकर मिला लेंगे और इसे बॉईल होने देते हैं। पानी में जैसे उबाल आ जाएगा तब हम इसमें आटा डालेंगे। देखिए, पानी में उबाल आ गई है, अब हम इसमें ये आटा डाल देंगे। आटा डालने के बाद इसे स्टर करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा इसे मिला ले इस तरह से। ज़्यादा कुछ मिलाने की ज़रूरत नहीं है। इसे हम मीडियम स्लो फ्लेम में करके ढककर 3 मिनट पकाएंगे। 3 मिनट के बाद हम ढक्कन हटाते हैं और इसे अच्छे से मिला लेंगे। फ्लेम अभी भी स्लो ही है, देखिए इस तरह से। और ये आटा को ज़्यादा गीला नहीं करना है। आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी थोड़ी सी 1/2 कप ऑफ पानी बॉईल करके रखा हुआ है। सो फ्रेंड्स, देखिए हमने आटे को पकाने के बाद फ्लेम को ऑफ करके इसे 5 मिनट के लिए ढक लिया था। ये अच्छे से पक गई है। अब हम एक प्लेट में इसे निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी गीली नहीं लग रही है, ये एक पाउडर जैसे ही अभी भी लग रही है, लेकिन ये अच्छे से पक गई है। अब हम इसमें बॉईल किया हुआ पानी डालते हुए अच्छे से गूंथेंगे, लेकिन थोड़ा सा ठंडा होने के बाद। फ्रेंड्स, देखिए ये आटा थोड़ी सी ठंडी हो गई है, हम इसे टच कर पा रहे हैं। इसमें हमने जो पानी को बॉईल करके रखा हुआ था 1/2 कप पानी, मैंने इसमें रेड फूड कलर डाल करके बॉईल किया था, क्योंकि मुझे इसमें कलर थोड़ी सी कम लग रही थी, तो मैं और थोड़ी सी कलर डालकर पानी गर्म कर लिया है। ये पानी को हम डालते हुए आटा गूंदेंगे। इसमें थोड़ी सी ओवा डाल देते हैं, 1 टीस्पून ओवा, अजवाइन या कैरम सीड्स कहते हैं इसे। ये पानी को हम थोड़ा थोड़ा डालते हुए आटे को अच्छे से गूंथ लेंगे। जिस तरह की चकली की आटा होती है उसी तरह की गूंथनी है, उतनी उसी तरह की कंसिस्टेंसी होगी। तो हम अभी बचे हुए पानी को डाल करके पूरा डाल देंगे और इसे अच्छे से गूंथ कर मल करके गूंथ कर तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप चाहे तो 2.5 कप आटे में 2.5 कप पानी एक साथ में डाल करके ये आटे को बॉईल कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपको दोबारा इस तरह से पानी डालकर गूंथनी नहीं पड़ेगी। आटा ऑलरेडी पानी की कंसिस्टेंसी परफेक्ट हो जाएगी, आप सीधा गूंथ सकते हैं इसे। मैंने यहाँ पे 2 कप पानी ऐड किया था, इसलिए 1/2 कप अभी ऐड करके गूंथ रही हूँ। आप देख सकते हैं ये आटा गूंथ कर तैयार है। इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की होगी, आप देख सकते हैं। ये रोल करने पे रोल होनी चाहिए, देखिए। अब हम चलिए चेगोड़ी बना लेते हैं। तो अभी इसमें थोड़ी सी किचन सरफेस में तेल लगा करके ये आटा ले लेंगे।
हमें इसमें थोड़ी थोड़ी आटा लेनी है और इसे रोल करनी है। रोल करने के बाद इसमें तिल लगानी है। तिल लगाते हुए हम चिगोड़ी बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने ये रोल कर लिया है। इसमें तिल लगा, इस तरह से भी तिल को फैला देंगे और रोल करेंगे। आप देख सकते हैं तिल देखिए अच्छे से इसमें चिपक गई है। जहाँ नहीं चिपकी है थोड़ी सी और तिल डाल दें। तिल ऊपर से दिखने में भी अच्छी लगती है, टेस्ट भी अच्छी आती है। और इसे पतला करते हुए हम इस तरह से इसे घुमाते हुए इसका रिंग बना लेंगे। एक रिंग जैसी बनानी है। देखिए कितनी सुंदर लग रही है। इसे कहते हैं चेगोड़ी। ये तेलुगु वर्ड है चेगोडिलु। देखिए इस तरह से हम रिंग बना सकते हैं। साइज़ आप बड़े छोटी कर सकते हैं। देखिए इस तरह से छोटी साइज़ के भी बना सकते हैं। बच्चों को देने के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। देखिए हम थोड़ी सी इस तरह की चिगोड़ी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तब तक तेल को गरम कर लें। मैंने यहाँ पे तेल गरम कर लिया है। तेल मीडियम गरम है। मैंने यहाँ पे एक बॉल ऑलरेडी डालकर चेक किया था। तो ये बॉल को निकाल लेते हैं। देखिए फिसल रही है। तो चलिए अब हम इसमें ये चिगोड़ी डाल देते हैं। एक साथ में सारे चिगोड़ी को डाल दें। और देखिए कितनी ज़ोर से इस तेल ऊपर उठ रही है। तो तेल थोड़ी सी कम ही रखे कढ़ाई में, हाफ रखे। बड़ी वाली कढ़ाई ले तो अच्छा। सो फ्रेंड्स देखिए ये बहुत ही फूट रहे थे। चिगोड़ी को डालने के बाद ये बहुत फूटने लगते हैं। तो तुरंत इसे ढक दे, 2-3 मिनट के लिए ढके रखें। ढक देने के बाद इसका जब फूटना ख़त्म हो जाएगा, चटचटपन ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद ढक्कन हटाए तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये तैरती नज़र आएगी। और इसे 2 मिनट और फ्राई करें। और जब ये पूरा बबल्स इसका ख़त्म होने लगे तो इसे निकाल लें। ये जैसे ही अच्छे तरह से फ्राई हो जाएगा ये तैरने लगेगी। और एक प्लेट में टिश्यू पेपर लेकर के इसे निकाल दें। इस तरह से मैंने मीडियम फ्लेम में ही इसे फ्राई किया है। फ्रेंड्स मैं और एक तरीका बताती हूँ जिससे ये फूटेगी नहीं। आप देख सकते हैं ये रिंग्स मैंने ऑलरेडी जैसे बनाया था वैसे ही बना के रखा है। और इसे मैं प्रेस कर रही हूँ एक प्लेट से या किसी से भी प्रेस कर ले। इस तरह से प्रेस कर लेने से ये तेल में डालने के बाद ये फूटेगी नहीं, जिससे तेल ऊपर गिरने का डर नहीं रहता है। इसे ढकने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और चिगोड़ी से जल्दी, इससे सुप्लू कहते हैं फ्रेंड्स, ये जल्दी फ्राई हो जाती है। तो ये भी जिस तरह से उस चिगोड़ी को फ्राई करते हैं उससे भी इसे भी उसी तरह से फ्राई करनी है। मीडियम फ्लेम में रखकर जिस तरह से ये भी तैरने लगे, अच्छे से गोल्डन कलर हो जाए, इसे भी निकाल लेनी है। देखिए ये भी फ्राई हो गया। हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। सो फ्रेंड्स देखा आपने, हमने चिगोड़ी और सुप्लू दोनों ही बना लिया है। इसे चिगोड़ी कहते हैं और इसे सुप्लू कहते हैं। आप साइज़ कोई भी बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और क्रंची स्नैक्स है। कुछ अलग टेस्ट मिलेगी, कुछ नया टेस्ट मिल जाएगा आपको। ये रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें, आपकी फैमिली को ज़रूर पसंद आएगी। आपको अगर ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने डियर वन के साथ ये रेसिपी को शेयर करें। और अच्छे अच्छे रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें और हेल्दी रहें। बाय बाय, टेक केयर।